हिंदी विषय में। वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से चौथी कहानी युद्ध। इस कहानी की स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। गुलशेर खाशानी, ये जो लेखक के राइटर, इनकी यह कहानी है। सबसे पहले हम इस कहानी का परिचय सुनेंगे। शानी का वास्तविक नाम गुलशेर खाशानी है। आप ऐसे कथा लेखक हैं जिन्होंने समसामयिक विषयों पर लेखन किया है। आपका जन्म 16 मई 1933 में जगदलपुर में हुआ था। आप मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल के सचिव और परिषद की साहित्यिक पत्रिका साक्षात्कार के संस्थापक संपादक रहे। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी भाषा पर अपनी गहरी पकड़ दी। अपने समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण लेखन किया और भारतीय मुस्लिम समुदाय की वास्तविकता का चित्र आपके कथा साहित्य में होता है। कहानी का परिचय हम देखेंगे। गुलशेर खाशानी लिखित युद्ध कहानी उन दिनों की है जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। युद्ध के कारण सब लोग डरे सहमे रहते थे। उन दिनों आतंक, असुरक्षा और बेचैनी से लड़ा दिन वक्त से पहले निकलता और शाम बहुत पहले डूब जाती। रात गहरी भयावह होती है। दफ्तर में मुसलमानों की संख्या बहुत कम होती थी। उनमें से कई लोगों में नोटिस भी देख रखी थी। उन दिनों आम मुसलमान आलम में डरा हुआ और चौकस हो गया था। दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीमी आवाज में पाकिस्तान रेडियो की न्यूज़ सुनते हैं। इसी बीच शहर में दो बार हज यात्रा करके लौटे हमीद अली राष्ट्रीय मुस्लिम संघ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। डायरेक्टर ने वसीम रजवी को नौकरी पर तो रखा था, लेकिन उनसे जो काम वे बरसों से करते आ रहे थे वह काम छीन लिया गया था। हर रोज अखबारों में खबरें तो आती थी, कुछ अफवाहें भी फैली रही थी। उस पर लोग आपस में बात करते थे। दफ्तर में युद्ध के बारे में ही चर्चा होती थी। वह बातें अनसुनी करके वसीम रिगज या रिजवी बाहर चला जाता है। लेकिन उस वक्त की जो परिस्थिति है वो अतिशय या बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। कुरैशी सबकी ओर देखकर आंखें मारी थी। उनसे किसी ने सीधे शकरकंद से पूछा, रिजवी को क्या मिर्च लग गई, वे क्या उठकर बाहर चले गए। शंकर दत्त बोलने वाले का मुंह ताकते थे, लेकिन कुरैशी ने बोलना शुरू किया। उसी वक्त बत्ती बुझाओ स्वयं सेवकों की आवाज़ें आने लगी थी, क्योंकि अब सिविलियंस पर शहरों पर भी बम गिराए जाते हैं। बत्ती न बुझाने की वजह से स्वयं सेवक और रिजवी में बहस हो गई थी। स्वयं सेवक रिजवी को जासूस समझ बैठे थे, लेकिन शंकर दत्त ने बीच बचाव कर लिया। वह सब बातें लड़ाई का माहौल देखकर रिजवी की बेगम और बच्चे अप्पू और सबा बहुत ही घबराए थे। अप्पू और शंकर दत्त से पूछते हैं, अंकल यह लड़ाई कब खत्म होगी। अप्पू रिजवी से भी बहुत से सवाल पूछते हैं। उसके सवालों का जवाब दोनों के पास न होने के कारण वह अपनी आंखें दालन की तरफ घुमा लेते हैं। इसमें से प्रश्न पहला पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुलशेर खाशानी लिखित युद्ध कहानी पर निबंध लिखिए। इस तरह से बहुत विस्तृत तरीके से यह निबंध लिखा गया है। शानी ऐसी कथा लेखक है जिन्होंने समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण लेखन किया है। उनकी कथा साहित्य में भारतीय मुस्लिम समुदाय की वास्तविक का चित्रण देखने को मिलता है। युद्ध कहानी में कथाकार ने पाकिस्तान से युद्ध का वर्णन किया है। पाकिस्तान से युद्ध के दिन थे, सब लोग डरे हुए थे।
हवा भी बहुत भारी थी, आकाश भी झुककर छोटा सा हो गया था। आकाश का नीला रंग तो मानो गायब ही हो गया था। वह पूरी तरह रंगहीन मटमैला तथा डरावना दिखाई दे रहा था। हर एक क्षण समय बहुत ही लंबा लग रहा था। सभी जगह पे आतंक, असुरक्षा और बेचैनी का माहौल था। दिन वक्त से पहले निकला और शाम के बहुत ही पहले डूबा हुआ लगता था। रात भयावह लगती थी। पास बैठकर भी लोग आपस में शब्द भी नहीं बोल पाते थे। उसी दौरान डायरेक्टर ने कहने पर देश के हालात देखकर पूरी जिम्मेदारी रिजवी पर छोड़ना ठीक नहीं था। वसीम रिजवी से चार्ज लिया गया था। दफ्तर जाने के बाद शंकर दत्त को पता चला रिजवी से सिर्फ काम छीन लिया गया है। वह नौकरी पर था। दफ्तर मुसलमानों को संख्या से चार भी थी और उसमें भी उनको भी नोटिस भेजा गया था। युद्ध छिड़ते ही शहर के मुसलमानों में आतंक और भय दिखाई देता था। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके धीमी स्वर में रेडियो पर पाकिस्तान की न्यूज़ सुनते थे। इस दौरान शहर में मुसलमानों की सभी जो संख्या थी वो सभा उनकी बुलाई गई और शहर के मध्य भाग पर राष्ट्रीय मुसलमान संघ का बोर्ड लटका हुआ दिखाई पड़ा। इस संघ प्रेसिडेंट शहर के नामी आदमी हमीद अली चुने गए थे। वे दो बार हज यात्रा करने आए थे। उनके हस्ताक्षरों से मुसलमानों के नाम राष्ट्रीयता की शपथ लेने वाली अपील के अखबारों तक पहुंच गया था। यह काम कुरैशी ने किया। यह दौरान बहुत सी अफवाहें उठने लगी थी। उसमें से बड़ी अफवाह यह थी कि अपनी फौज पाकिस्तानी और फौज को गाजर मूली की तरह काटती आगे बढ़ रही थी। अब लाहौर में कब्जा भी हो गया है। हर के इंसान अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन रिजवी सारी बातों को अनसुना कुरैशी ने सबकी ओर देख के आँख मारी थी और हल्का सा मुस्कुराया था। किसी ने शंकर दत्त से पूछा, रिया रिजवी क्या हो गया, क्या मिर्च लग गई? उसी वक्त स्वयं सेवकों की आवाज़ आने से सब बत्ती बुझाई दी गई। बत्ती बुझाओ, क्योंकि उस तरह भारत पाकिस्तान युद्ध के टाइम ब्लैकआउट किया गया था और सभी जगह पे बत्ती लगाना या लाइट लांटेन जलाना वहाँ पे अलाउ नहीं था। कमरे में एक मरियल मोमबत्ती का हल्का सा उजाला था। बत्ती बुझाओ, फिर से आवाज़ आने लगी। पिछले कई दिनों से शहर में ब्लैकआउट चल रहा था। आउट बनाए रखने के लिए मोहल्ले में स्वयं सेवकों के जत्थे चल रहे थे, लेकिन रिजवी उन स्वयं सेवकों से उलझ पड़े थे। लेकिन शंकर दत्त ने बीच में आकर रिजवी को बचा लिया। वसीम रिजवी का यह बर्ताव देखकर उनकी बेगम शंकर दत्त से बोली, भाईजान इन्हें बोले कि मुझे और बच्चों को जहर खिला दें और ये दुनिया से जूझते हैं। रिजवी के बर्ताव से उनकी बेगम तंग आ चुकी थी। उनके दोनों बच्चे अप्पू और सब्बा भी डरे हुए सहमे हुए रहते। अभी शंकर दत्त ने उस बच्चों को पास बुलाकर उन्हें समझाया भी था। अप्पू की और शंकर दत्त की दोस्ती हो गई थी, लेकिन शंकर दत्त को अपनी कोई संतान ही नहीं थी। युद्ध 11वां दिन चल रहा था। शंकर दत्त हिंदू होकर भी अप्पू से घुल मिल गए थे, लेकिन अप्पू इन दिनों हिंदू मुसलमान के युद्ध से तंग आ गया था, डर गया था। वह शंकर दत्त से पूछता है यह लड़ाई कब बंद हो जाएगी, लेकिन अंकल के पास कोई जवाब भी नहीं था। अप्पू लड़ाई के बारे में, सैनिकों के बारे में बहुत से सवाल उनको पूछता रहा, लेकिन उसके सवालों का जवाब किसी के पास ही नहीं था। अप्पू अपने पापा जो है रिजवी से पूछता है, पापा हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? लेकिन रिजवी ने उसे डांट दिया। फिर अप्पू ने पूछा, पापा अल्लाह मियाँ और भगवान कहाँ रहते हैं? रिजवी ने जवाब दिया, ऊपर आसमान में। अप्पू की आंखें चमक गई। वो अगला सवाल पूछने में उतावला था, लेकिन दोनों की निगाह बचाने के लिए वो इधर उधर चला गया। इतने सारे
सवाल और बच्चे के मन में आते हुए नजर आते हैं। इसी तरह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कुछ भी निष्पन्न नहीं होता। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। सभी को लड़ाई माहौल अच्छी नहीं लगता। सभी भाईचारे और शांति से रहना चाहते हैं। इसमें से संदर्भ उन्होंने एक दिया है, क्यों साहब बहरे हैं, दो नौजवानों ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से कुंडी खटखटाई। संदर्भ है प्रस्तुत अवतरण, लेखक गुलशन खान शाही लिखित युद्ध कहानी से उद्धृत किया गया है। कहानी में हिंदी मुसलमान युद्ध के वजह से सभी लोग डरे हुए हैं। बच्चों के मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। व्याख्या, पाकिस्तान से युद्ध में दिन थे, लोग डरे हुए और निम संजीदा थे, हवा भारी चल रही थी, आकाश का झुककर छोटा सा रंगहीन मटमौला तथा डरावना हुआ था। युद्ध के कारण पिछले कई दिनों से शहर में ब्लैकआउट चल रहा था, क्योंकि शहर में सिविलियंस पर भी बम गिराए जाते थे। इसीलिए स्वयं सेवकों के जत्थे हर मोहल्ले में जाकर बत्ती बुझाओ बोल रहे थे। वसीम रिजवी ने अपने ब्लॉक में मोमबत्ती जला रही थी, लेकिन खिड़की का पर्दा जरा सा सरक जाने की वजह से रोशनी सड़क पर पड़ रही है। स्वयं सेवकों की आवाज़ अनसुनी कर रिजवी चुपचाप बैठा वहाँ पर पड़ रहा है। इसीलिए स्वयं सेवकों में से किसी ने डप टप कर आवाज़ लगाई, बत्ती बुझाओ साहब बाहर है। दो नौजवानों ने आगे बढ़कर पूरी ताकत से कुंडी खटखटाई। रिजवी कुछ क्रोध और कुछ कैफियत तलब करके अंदाज में रिजवी बाहर निकल कर आया और बात वहीं पर ही बिगड़ गई। रिजवी ने कहा, मैं खूब समझता हूँ, बत्ती बुझी हुई है, मैंने पढ़ने के लिए मोमबत्ती लगाई है, उस रोशनी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पर्दे ठीक किए देता हूँ और आगे इस वजह बहुत शुरू हुई, लेकिन शंकर दत्त ने बीच बचाव कर लिया, नहीं तो स्वयं सेवकों ने वसीम रिजवी को जासूस समझ लिया था। इस तरह से युद्ध, इसमें भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में कहा गया है और उसमें रिजवी के बारे में बताया गया है कि बच्चों के मन पर वो भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इस जाति का किस तरह से बुरा प्रभाव गिरता है। इसमें से एक मुख्य प्रश्न दिया है, उसमें कहानी का जो युद्ध है उसका निबंध हमको लिखना है और दूसरा है संदर्भ व्याख्या। ये दोनों भी प्रश्न आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और आपको समझ जो भी जानकारी समझ गई है वो आपकी हिंदी के कॉपी में लिखी है। धन्यवाद।